हेलो गाइस वेलकम लीगल स्टेटस लीगल स्टेटस ऑफ अनबॉर्न लीगल स्टेटस लीगल स्टेटस ऑफ एनिमल्स पहले हम ये डिस्कस करते हैं नेचुरल आर ओनली ह्यूमन बींगस ह्यूमन बींग्स कौन होते हैं नेचुरल पर्सन एनिमल्स आर नॉट पर्सन एनिमल्स पर्सन नहीं होते आइदर नेचुरल और लीगल वो नेचुरल हो या लीगल हो। एनिमल्स इज नॉट अ पर्सन यानी कि एनिमल्स पर्सन नहीं है दे आर कंसिडर्ड मेरी थिंग्स एज दे डू नॉट ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज बट टू राइट्स आर बेस्टोर टू एनिमल्स वैसे तो राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं होती एनिमल्स को मगर दो राइट्स दिए गए नंबर वन क्यूरलिटी टू तो एनिमल्स इज़ एन अफेंस यानी कि एनिमल्स क्या जानवरों पे ऊपर कोई भी जुल्म करना एक ऑफेंस होता है ये उनका राइट है कि कोई भी उन पर जुल्म ना करे नंबर टू अ ट्रस्ट कैन बी क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ एनिमल लाइक दोज दैट आर आर रियर टू एक्स टनक और आर सिक या कुछ ऐसे एनिमल्स से पर्टिकुलर जो सिक हों या नियर टू एक्सटनैक्शन हो तो उनकी ट्रस्ट रख सकते हैं तो ये दो राइट्स थे अब लीगल स्टेटस ऑफ अनबॉर्न पर्सन अनबॉर्न पर्सन के कौन से लीगल स्टेटस है देर इज नो लॉ टू प्रिवेंट अ मैन फ्राम ओविंग प्रॉपर्टी बिफोर इज ही इज़ बॉर्न यानि कि कोई भी लॉ ऐसा नहीं है जो बंदे को पैदा होने से पहले उसको रोके कि आप प्रॉपर्टी प्रौर्ट नहीं रख सकते बट देर आर डिफरेंट व्यूज ऑन लीगल स्टेटस ऑफ अनबॉर्न परसन मगर बहुत सारे डिफरेंट व्यूज़ हैं बहुत सारे जोर्स अपने अपने व्यूज मुताबिक बताते हैं कि अनबॉर्न पर्सन के राइट्स कौन से उसका लीगल स्टेटस कौन है पोटॉन पेटोन इज एन आज ये क्या पता था आर्ग्यूज दैट चाइल्ड इन द वोम डज नॉट एंड राइट्स राइटिल इट हैज बिन सेपरेटेड फ्रॉम द मदर सेफली इन लाइफ पेटोन कहता है कि लीगल पर जो चाइल्ड होता है वोम यानी कि माँ के पेट में जब होता है बंदा उसका लीगल पर्सनैलिटी नहीं होती तो उसके कोई राइट्स नहीं होते तब तक जब वो अपनी माँ के वम से सेपरेटेड अलग ना हो अदर व्यू अब दूसरा व्यू क्या है इज़ दैट चाइल्ड इन द वोम हैज लीगल पर्सनैलिटी एंड राइट्स दूसरे कहते हैं कि बच्चे को वोम में ही यानी कि माँ के पेट में ही उसके कुछ लीगल पर्सनैलिटी हो जाती है उसके कुछ लीगल राइट्स होते हैं इवन बिफोर बर्थ अ चाइल्ड हैज़ सम क्वानिजेंट राइट्स यानी कि उस बच्चे को पैदा होने से पहले उसके कुछ क्वानिजेंट राइट्स होते हैं एंड ओनरशिप विच बिकम वेस्टेड वैन चाइल्ड इज बॉर्न यानी कि वो ऑनरशिप तभी उसको मिल जाती है जब वही बच्चा सेपरेटेड फ्राम इज मदर की से सेपरेटेड हो जाएगा फिर उसको उस चीज़ की ओनरशिप मिल जाएगी मगर यानी जब वो अपनी माँ के वोम में था तभी भी उसके पास राइट्स थे अकॉर्डिंग टू दिस व्यू नेक्स्ट आता है हमारा लीगल स्टेटस ऑफ डेड मैन अ डेड मैन इज नो लॉन्गर अ पर्सन इन द आई ऑफ लॉ लॉ की नज़र में एक डेड किया हुआ बंदा पर्सन नहीं कहा जाता अलदो ऑल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ अ मैन प्रेस विथ हिम उसके साथ ही उसके जो राइट्स होते हैं ड्यूटीज़ होती हैं या कोई इंटरेस्ट होते हैं वो उसी बंदा जब मर जाता है उसी के साथ ही वो भी ख़त्म हो जाती है। बट देर आर थ्री एक्सेप्शन एज अंडर मगर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है जो हम नीचे बता रहे हैं नंबर वन द नेम नेम एंड रिपूटेशन नेम और रेपुटेशन नेम एंड रेपूटेशन ऑफ अ डिस इज प्रोटेक्टेड बाई ला जो बंदा मर गया है उसका नेम यानी कि कोई उसके नेम या रिप्यूटेशन जो उसके रेस्पेक्ट है उसको कोई भी ख़राब नहीं कर सकता भले कोई भी बंदा क्यों मर न क्यों गया हो मगर उसकी रेस्पेक्ट वही रहेगी उसको कोई भी उसके रेपुटेशन को खराब नहीं कर सकता उस क्योंकि उसको लॉ प्रोटेक्ट करता है द सक्सेजर ऑफ डिस एज़ अ राइट फॉर डिफेमेशन टू सेव हिम फ्राम बींग इंसल्टेड आर लोवर इन द आई ऑफ पब्लिक और उसके सक्सेसर को ये राइट है कि उसको बचाएँ किसी भी आ, पब्लिक के नज़र से गिराने में उसकी इंसल्ट होने में यानी कि उसको लॉ प्रोटेक्ट करेगा कि कोई भी उसकी नेम एंड रिपोटेशन उसकी कोई भी खराब नहीं कर सकता नंबर दूसरा आता है ई स्टेट विशेज ऑफ डिसीड एंड लास्ट रिक्वेस्ट आर कैरीड आउट आफ्टर हिज डेथ यानी नंबर टू है कि कोई बंदा आखिरी आखिरी बात में कोई ख्वाहिश करता है विल करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए वो फुलफिल होनी चाहिए क्योंकि ये उसको ला राइट देता है तो जो डिसेट पर्सन होता है जो मरने वाला बंदा होता है उसकी विल होती है कभी कभी विश बता देते हैं कि ये मेरे विशे ये मेरे बेटे पूरी करेंगे तो ये उसका राइट होता है नंबर थ्री हिज बॉडी यानी उसका बदन डिसड इज इंटाइटल टू डिसेंट वल एंड एनी डिसपेक्ट आर डिसक्रिशन ऑफ द ग्रेव इज एन ऑफेंस यानी उसको जिस चीज जिस जगह पे दफन किया गया हो उस ग्रेव को कोई भी यानी कि कोई भी उसकी डिसरेक्सपेक्ट नहीं करेगा अगर कोई करेगा तो वो एक ऑफेंस होगा तो ला कहता है कि ये भी उसका राइट है कि कोई भी उसकी ग्रेव को यानी कि डिसरेक्सपेक्ट ना करें डिसक्रिशन उसकी ग्रेव को ना करें तो डिसीड बंदा जो मर गया है उनके तीन राइट्स होते हैं एक तो उसका नेम प्रोपर्टीशन सेव किया गया हो सेकंड उसके लास्ट विशेस कबूल की गई हो और थर्ड उसका राइट कौन सा है कि उसकी ग्रेव को कोई भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करेगा